नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और मैं ज्योति चौहान आज आपको पढ़ाऊंगी, ये आप देख रहे हैं लिखा है जोधपुर शैली या मारवाड़ शैली के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। तो मैंने इसके ये दो नाम लिखे हैं और दो नाम किस प्रकार लिखे हैं, क्या है इनका, देखिए ये जोधपुर शैली को ही मारवाड़ शैली कहा जाता था। तो जो जोधपुर शैली है उसी को मारवाड़ शैली नाम दिया गया है। इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं दोस्तों। 1000 से और 1500 ईस्वी के मध्य राजस्थान में जब चित्रकला का विकास हो चुका था, उसी समय पर जब चित्रकला का विकास हो रहा था या चित्रकला का विकास हो चुका था, यहाँ पर ताड़पत्र भोजपत्र पर चित्र धार्मिक ग्रंथ के चित्र बनाए जा रहे थे। तो उसी तभी क्या हो रहा था यहाँ पर कि राजा जो मेवाड़ के राजा थे और जो मारवाड़ के राजा थे, जो मोकल राजा थे और राजा राणा सांगा के जो समय की चित्र शैली थी, मतलब मेवाड़ मारवाड़ शैली पर मेवाड़ शैली का प्रभाव हावी हो चुका था। यही कहिए कि ये दोनों जो शैलियाँ थी ये एक ही हो चुकी थी। मोकल के समय की और राणा सांगा के समय की दोनों चित्र शैलियाँ एक सी ही लगती थी, इनके जो चित्र बनते थे वो एक से ही होते थे, इनमें कोई अंतर नहीं था। उसी समय पर 1531 से 1561 के मध्य एक स्वतंत्र शैली का विकास होता है, जिसने अपनी एक स्वतंत्र शैली विकसित की। और वो शैली कौन सी थी आप देखेंगे, जोधपुर शैली, इसीलिए इसको जोधपुर नाम दिया जाता है। वो उस स्वतंत्र शैली का जो विकास हुआ, जिस स्वतंत्र शैली में चित्र बने, उसी को हम जोधपुर शैली कहते हैं। तो चलिए अब हम इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए जो जोधपुर शैली है ये एक लोक शैली कहलाती है, लोक शैली पर आधारित है। तो यहाँ पर लिख लेंगे लोक शैली पर आधारित, लोक शैली पर आधारित, मैं थोड़ा सा ऐसे लिख रही हूँ तो आपको मैं बोल रही हूँ। देखिए कुछ बच्चों की शिकायत आती है, मैम बोर्ड पे दिख नहीं रहा, बोर्ड दूर है, इस तरह के कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको अगर नहीं दिख रहा है तो आप मुझसे बोल सकते हैं, आपने बोला मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप जो भी प्रश्न पूछते हैं या जो भी अपने डाउट हैं अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप बोलिए। तो मैंने यहाँ पर लिखा है जोधपुर शैली या मारवाड़ शैली, इसीलिए मैं आपको बोलकर कुछ चीज़ें बार बार रिपीट करती हूँ, इसीलिए करती हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है आपकी नेटवर्क प्रॉब्लम होती है तो स्क्रीन थोड़ी सी धुंधली भी आपको दिखाई देती है, और कभी कभी मेरा मार्कर भी बहुत ज़्यादा लाइट होता है, एक्चुअली मैं ध्यान नहीं दे पाती हूँ, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। जो भी मेरी तरफ से आपके लिए कमी रहती है तो आप उसको बोल सकते हैं कि हमें नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, मैंने लिखा है जोधपुर और मारवाड़ शैली, इसके बारे में हम देखेंगे। देखिए जो जोधपुर शैली थी, तो मारवाड़ का वर्तमान नाम क्या था, जोधपुर था। मारवाड़ का जो वर्तमान नाम है, जो एक स्वतंत्र शैली पनपी थी, वो जोधपुर शैली थी। मतलब जो पहले शैली थी वो मारवाड़ शैली थी, और जो 1531 और 1561 के मध्य जो शैली पनपी उसको हम जोधपुर शैली के नाम से जानते हैं। तो मारवाड़ का जो वर्तमान नाम किया है, जोधपुर शैली। जोधपुर शैली। और देखिए यहाँ इसको जो स्थापित किया था वो राव जोधा जी ने स्थापित किया था। राव जोधा जी ने 1459 ईस्वी में इसको स्थापित किया था। इसके बाद देखेंगे जन्म जो हुआ था इसका, 1498 ईस्वी में हुआ था। इस शैली का जन्म हुआ था, और कहाँ हुआ था, मारवाड़ के मेड़ता में। यहां लिखेंगे कहां, किस स्थान पर हुआ था, तो मारवाड़ के मेड़ता में हुआ था। मारवाड़ के मेड़ता में इस शैली का जन्म हुआ था। अब देखिए इसमें ये इसको जो कहते हैं सन सिटी या ब्लू सिटी, तो सन सिटी या ब्लू सिटी किसको कहते हैं, जोधपुर को कहते हैं। तो यहां लिख लेंगे सबसे पहला सवाल क्या है इसमें,
सन सिटी या ब्लू सिटी, जोधपुर को सन सिटी या ब्लू सिटी भी कहा जाता है, जोधपुर को सन सिटी या ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखेंगे यहां पर क्या है, मीराबाई का मंदिर हमें कहां से मिलता है, चित्तौड़गढ़ से। तो मंदिर मिलता है किसका, मंदिर मीराबाई का, कहां से मिलता है, चित्तौड़गढ़ से। चित्तौड़गढ़ से मीराबाई का मंदिर हमें मिलता है इसमें। दूसरी चीज में देखेंगे महाराजा भीम सिंह के समय के जो चित्र हैं वो दशहरा दरबार है, इसके कुछ चित्र हैं। तो महाराजा भीम सिंह के समय का है, देख लेंगे इसका। पहले इसका चरमोत्कर्ष काल में लिखवा देती हूँ, वो है महाराजा मान सिंह के समय का चरमोत्कर्ष काल। जब ये अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची तो उसका जो समय था महाराजा किसके समय का था, महाराजा मान सिंह के समय का था। महाराजा मान सिंह के समय का था, मान सिंह के समय। अब देखिए, अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ। महाराजा वो जो मान सिंह थे, तो कर्नल टोड को इतिहास लिखने में महाराजा मान सिंह ने ही हेल्प की थी या मदद की थी। महाराजा मान सिंह ने कर्नल टोड को जब इतिहास लिख रहे थे तो उनकी इन्होंने काफी हेल्प की थी। इसके बाद इसमें देखिएगा, इसकी जो प्रसिद्धि है वो किस कारण है, इसमें कुछ चीजें हमें यहाँ पर मिलती हैं जो यहाँ पर बनाई जाती है या जिस चीज के लिए ये जोधपुर प्रसिद्ध है, तो वो चीजें मैं यहाँ पर लिखवा रही हूँ। हो सकता है आपसे पूछ ली जाए जोधपुर किस लिए प्रसिद्ध है, इसकी प्रसिद्धि क्या है, तो इसको मुझे थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, आप देख सकते हैं। प्रसिद्धि मैं लिखवा देती हूँ यहाँ पर। तो इसकी जो प्रसिद्धि है वो है बंधेज कपड़ा। पहले डालेंगे प्रसिद्धि, जोधपुर की प्रसिद्धि किस लिए है। पहले तो आपने लिख लिया सन सिटी और ब्लू सिटी, तो इसका भी प्रश्न आ सकता है कि सन सिटी या ब्लू सिटी किस शहर को कहा जाता है या किस शैली को कहा जाता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं जोधपुर शैली, सन सिटी या ब्लू सिटी जोधपुर शैली या जोधपुर शहर को कहा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर प्रश्न आते हैं, प्रश्न मैं आपको कराऊंगी जैसे ही हमारा टॉपिक फिनिश होगा, उसके बाद मैं आपसे प्रश्न भी कराऊंगी। इसके बाद है मखमल की जूतियां रेशमी, इसमें बंधेज कपड़ा, मखमल की जूतियां। देखिए मखमल की जूतियां रेशम दरिया तथा मकराना मार्बल इस चीज के लिए प्रसिद्ध है, मतलब इसका कार्य यहाँ पर काफी होता है। रेशम की दरिया रेशम की दरियों का भी यहाँ पर काम होता है, मतलब रेशम का काम यहाँ पर ज्यादातर होता है। मकराना मार्बल से निर्मित कलाकृतियां, देखेंगे मकराना और मार्बल से निर्मित कलाकृतियां, मार्बल से निर्मित कलाकृतियां यहाँ पर आपको खूब देखने को मिलेंगी, मार्बल से निर्मित कलाकृतियां। कई बार कुछ ऐसे सवाल पूछ लेता है, जो ये मैं आपको इसीलिए पढ़ा रही हूं कि कुछ कई बार पूछ लेता है सवाल, और ये स्पेशली कहाँ पूछा जाता है, स्पेशली यूपी टीजीटी में ज्यादा गड़बड़ करते हैं आयोग जो करता है वो यूपी टीजीटी में ज्यादा गड़बड़ करता है, इसीलिए मुझे ये सब लिखाना पड़ रहा है। गोटा पट्टी साड़ी, और ये आपके लिए महत्वपूर्ण भी है, गोटा पट्टी साड़ी यहाँ पर प्रसिद्ध है। इसके बाद देखेंगे इसकी जो विशेषता है वो है कुंडलीकृत मेघ, इनके चित्रों की जो विशेषता है जोधपुर शैली के वो है कुंडलीकृत मेघ यहाँ पर दर्शाए गए हैं, कुंडलीकृत मेघ। ठीक है, दूसरी चीज है यहाँ ढोला मारू विषयक चित्र कहाँ चित्रित किए गए हैं, जोधपुर में। तो देखेंगे
जोधपुर में क्या चित्रित किया गया है? ढोला मारू, विषयक चित्र। ठीक है, इसके बाद देखेंगे ढोला मारू, इसमें ऊंट को चित्रित किया गया है। ढोला मारू में क्या चित्रित किया गया है? तो आप इसके आगे लिख सकते हैं ऊंट को, ऊंट के ऊपर राजा रानी बैठे हैं, ऊंट को चित्रित किया गया है। ऊंट के ऊपर राजा रानी, इस तरह से ऊंट को यहाँ पर चित्रित किया गया है, इसीलिए इसको ऊंट को चित्रित करने के कारण इसको क्या कहते हैं? ढोला मारू चित्र, विषय चित्र कहते हैं। और नारी आकृतियां यहाँ की किस प्रकार की थी? लंबी थी। नारी आकृति अगर आप देखेंगे तो यहाँ की जो नारी आकृति की विशेषता थी वो लंबी नारी आकृति यहाँ पर चित्रित की गई है। दूसरी चीज यहाँ पर देखेंगे जो चित्रों की मुख्य विशेषता थी, मतलब मैं कुछ यहाँ पर चित्र लिखवा रही हूँ वो देख लीजिए, जो मुख्य मुख्य चित्र हैं वो मैं आपको मेन मेन लिखा रही हूँ, वो देखिए। बारहमासा प्रमुख चित्र, प्रमुख चित्र करके लिखेंगे बारहमासा। और बारहमासा में किस चीज का चित्रण है ये भी पूछ लिया जाता है, तो ऋतुओं का चित्रण है, 12 ऋतुओं का चित्रण है बारहमासा में। ठीक है, क्योंकि बारहमासा जैसे नाम से ही हमें पता चल रहा है, रामायण, रामायण के भी चित्र हमें यहाँ से मिलते हैं, देवी देवताओं, देवी देवताओं की उपासना के चित्र, मतलब पूजा करते हुए उपासना के चित्र। और देखिए यहां पर क्या मिलता है, देवी देवताओं के उपासना के चित्र हमें यहां से मिलते हैं। और दूसरी चीज कुछ हमें यहां से दशहरा दरबार, दशहरा दरबार का चित्र मिला है, दशहरा दरबार, और ये मिला है हमें महाराजा भीम सिंह के समय का। तो मैं इसको लिखवा रही हूँ, सॉरी, दशहरा दरबार, दरबारा नहीं, दशहरा दरबार को मैं यहाँ लिखवा रही हूँ महाराजा भीम सिंह के समय, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आपके लिए कुछ छोड़ना नहीं चाहती हूँ। तो दशहरा दरबार का जो चित्र है वो बना था महाराजा भीम सिंह के समय में, तो यहाँ लिखेंगे दशहरा दरबार, दशहरा दरबार का जो चित्र है वो महाराजा भीम सिंह के समय में बना था। और इसके कुछ उपकेंद्र हैं, ठीक है, जोधपुर शैली के उपकेंद्र हैं, दो उपकेंद्र हैं, और उनका नाम है देखिए सिरोही और नागौर उपकेंद्र, सिरोही और नागौर, और नागौर में व्यक्ति चित्र हमें मिलते हैं। तो इसके आगे लिख लोगे नागौर के आगे, यहां से हमें व्यक्ति चित्र प्राप्त होते हैं, ये पूछ लिया जाता है कि व्यक्ति चित्र के बारे में व्यक्ति चित्र हमें जोधपुर के किस उपकेंद्र से प्राप्त होते हैं, तो नागौर से हमें व्यक्ति चित्र मिलते हैं। ये थी आपकी जोधपुर शैली, तो इससे रिलेटिव जो भी प्रश्न बनेंगे मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। ये थी आज की हमारी शैली। इसको देखिए बच्चों, शैलियों में बहुत ज़्यादा गड़बड़ होती है, कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम हम कंफ्यूज हो जाते हैं, आंसर सही से नहीं निकाल पाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं मैं आपको जब प्रश्न कराऊंगी तब ये आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वैसे अभी भी आपको सब चीज़ क्लियर हो रही होगी, कोई डाउट नहीं रहा होगा मन में, लेकिन जो भी और भी डाउट हैं मैं आपके सारे डाउट आपके माइंड से दूर करना चाहती हूँ, सारे डाउट जितना भी है सबका निचोड़ मैं आपके लिए लेकर आना चाहती हूँ। तो इसके बाद जो जैसे ही 2-3 टॉपिक हमारा होगा फिर से हम प्रश्न लेकर आएंगे, जिससे सारे डाउट का निचोड़ आपका निकल जाए। क्योंकि डाउट भी देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, डाउट भी उन बच्चों के ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाते हैं जो बच्चे घर पर पढ़ाई करते हैं। जो बच्चे घर पर पढ़ाई नहीं करेंगे तो उनको आप कितना भी पढ़ा लीजिए कोई फायदा नहीं है, आज आप पढ़ाएंगे कल उनके माइंड से बाहर हो जाएगा। तो इससे अच्छा है जो अगर आप जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको जाकर के डीपली उसको पढ़िए, इसमें क्या क्या है, कहाँ से लिया गया है,
कहाँ से कैसे चित्र बने हैं, किस पर बने हैं। तो इस तरह की जितनी भी चीजें आप पढ़ेंगे, किसने खोज की, कब की, किसके समय में चित्र बने, तो कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा हम प्रश्न इसके बारे में खोज सकें। जो नहीं आता है उसको कमेंट कीजिए, मैंने आपको बोला है कमेंट कीजिए, आपको मैं डाउट क्लास दे रही हूँ। डाउट क्लास में आपके जितने भी कमेंट हैं, जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उनका सॉल्यूशन हो जाएगा। मैं सोच रही हूँ कि आपके लिए मोटिवेशनल कुछ वीडियो लेकर आना चाहती हूँ, और मैं लेकर भी आऊँगी जल्दी ही। मेरी वीडियो, आपकी मोटिवेशनल वीडियो आपके सामने आएगी, उसमें कुछ मैं बहुत सारी चीज़ें ऐसे लाऊंगी कि जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ना शुरू कर देंगे, स्पेशली उनके लिए। मैं चाहती हूँ जिन बच्चों ने डिग्री ली है वो पढ़ें, अपनी डिग्री का मिसयूज़ ना करें, उनको ऐसे रद्दी नहीं बनाएं कि वो घर पे पढ़ी हैं, बुक्स फाइल में बंद करके पढ़ी हैं, वो रद्दी वेस्ट है। वेस्ट बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए मैं एक मोटिवेशनल वीडियो आप लोगों के लिए लाऊंगी जो आई थिंक आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। ये मेरा आज का टॉपिक था, नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे आपको एक नए टॉपिक में और नई वीडियो में। जो बच्चे मेरी ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी जो मेरा बैच चल रहा है, इसके बाद जहाँ तक है मैं न्यू बैच भी शायद एक और बनाऊंगी, क्योंकि रिक्वायरमेंट आप लोगों की आ रही है, स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं। तो जो भी लोग हैं वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जैसा हिसाब बनेगा मैं एक नया बैच तैयार करूंगी और आप लोगों के टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो आपको सुटेबल लगता है। तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9599670200 पर, मुझे कॉन्टैक्ट करके आप ऑनलाइन क्लास से मेरी जुड़ सकते हैं। और मैं बार बार यही कहूँगी, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और स्पेशली अपना ध्यान रखिए क्योंकि कोरोना फिर से बढ़ने लगा है। कोरोना से बचना है और कोरोना से और भी जैसी बीमारियों से आपको बचा कर अपने आप को रखना है। स्ट्रोंग रहिए, तब तक के लिए थैंक यू।